Hello students, this is Bhim, your science teacher. Today we are going to start chapter 1st of 8th class. The chapter name is Crop Production and Management. In this chapter, we will learn about crops, type of crops, agriculture and agriculture practices. Let's see learning outcomes of this chapter. First we will discuss about agriculture. पहले हम बात करेंगे कि agriculture क्या होता है. Agriculture जो word है इसका meaning क्या होता है और ये originate कहाँ से हुआ है. उसके बाद हम बात करेंगे crops के classification की कि जो crops हैं हमारी उनको किस तरह से classify किया जाता है. वो कौन कौन से parameter हैं जिनके base पे हम crops को क्लासिफाई करते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की बेसिक प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स की कि जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं किस तरह से हम फसल को ग्रो कराते हैं उन सब टेक्निक्स की हम इसमें बात करेंगे. नेक्स्ट डिफरेंट मेथड टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन. हम उन मेथड्स की बात करेंगे जो क्रॉप प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं या जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल, देन फूड आइटम ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. हम उन फूड आइटम्स की बात करेंगे जो हमें एनिमल से मिलते हैं. ये सब टर्म्स जो हैं ये पॉइंट्स जो हैं हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. देखिए आप हम सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है उसको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी जिससे हम वर्क करते हैं, जिससे हम अपना वर्क करते हैं, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करती है, जो हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाती है, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है फूड से. जो खाना हम खाते हैं वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तभी हम अपना डेली वर्क कर पाते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फूड आता कहाँ से है. जो फूड हमारे घरों में होता है, राइस हो गए पल्सेस, वीट, डिफरेंट फूड हैं और क्या है, वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, ये सब कहाँ से आता है? तो आप कहेंगे सर ये तो ग्रोसरी की शॉप से लेके आते हैं हम, वहीं से आता है. नहीं, ग्रोसरी की शॉप पे भी तो कहीं से आता होगा, वो भी तो कहीं से लेके आते होंगे इसे. तो आप कहोगे सर मार्केट से, वो लोग तो मार्केट से लेके आते हैं. नहीं, मार्केट, अब मार्केट में क्या है, मार्केट वाले खुद तो बनाते नहीं हैं फूड आइटम्स को, वो भी तो कहीं से लाते होंगे ना, उनके पास कहाँ से आता है? तो देखिए जो भी ये फूड आइटम्स होते हैं, जो फूड आइटम्स का रॉ मटेरियल होता है, वो सारा आता है हमारे फील्ड से, हमारे खेतों से. जो हमारे फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग करते हैं, वो एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं और क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और हमारे लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं. वहीं से क्या है, फूड आइटम्स जो है मार्केट में आते हैं, मार्केट से ग्रोसरी की शॉप्स पे आते हैं और फिर ग्रोसरी की शॉप से हमारे घरों तक आते हैं. ठीक है, इस तरह से फूड क्या है हम तक पहुंचता है. तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, जो टर्म है एग्रीकल्चर इसका मीनिंग क्या है. देखिए जो ये टर्म एग्रीकल्चर है ये एक्चुअल में लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है और जो है एग्रीकल्चरा. एग्रीकल्चरा दो तरह के वर्ड से मिलकर बना है. पहला है एगर जिसका मीनिंग होता है फील्ड और दूसरा है कल्चरा जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेटेड. इस तरह से जब इन दोनों वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वर्ड बनता है एग्रीकल्चर. इस तरह से हम इस टर्म को, एग्रीकल्चर टर्म को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को किस तरह से डिफाइन हम करेंगे. तो एग्रीकल्चर को डिफाइन करते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज नॉन एग्रीकल्चर. तो बहुत बड़े पैमाने पर पौधे उगाना,
और रेयरिंग एनिमल्स मीन्स एनिमल्स को पालना बहुत बड़े पैमाने पर, फूड के लिए, फाइबर्स के लिए और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, जब बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे पौधों को और उगाया जाता है या फिर बहुत सारे जानवरों को पाला जाता है, ठीक है, जिससे कि हमें यूज़फुल आइटम्स मिल सकें, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है क्रॉप। क्रॉप का मीनिंग क्या होता है? प्लांट्स ऑफ सेम काइंड व्हेन कल्टीवेटेड एट द सेम टाइम सॉरी सेम प्लेस फॉर फूड फोडर फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। जब एक ही तरह के पौधों को कल्टीवेट किया जाता है किसी एक सेम प्लेस पे फॉर फूड खाने के लिए, फोडर चारे के लिए, फाइबर्स और जो रेशे होते हैं उनको लेने के लिए, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स उनसे मिलते हैं उसके लिए, जब बहुत सारे पौधों को उगाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, तो देखिए पौधे तो आप अपने घरों में भी उगाते हो, जैसे मनी प्लांट का पौधा आपने लगा दिया, ठीक है, या फिर मैरीगोल्ड, ऐसे एक दो चार पौधे तो सभी के घर में मिल जाते हैं, बट हम उनको क्रॉप नहीं कह सकते। ठीक है, क्रॉप का मीनिंग होता है कि बहुत सारी मात्रा में जब हम पौधों को ग्रो कराते हैं किसी यूजफुल पर्पज़ के लिए, यूजफुल प्रोडक्ट लेने के लिए जब हम पौधों को उगाते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, किस किस बेस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, किस किस कैटेगरी में हम उनको रखते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो होता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, कि जो क्रॉप हम ग्रो करा रहे हैं उससे हमें मिल क्या रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या है। जैसे हमें ऑयल चाहिए, ऑयल के लिए क्या करते हैं हम? ऑयल के लिए हम मस्टर्ड ग्रो कराते हैं, सनफ्लावर, ग्राउंडनट। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया और ग्राउंडनट हो गया, इससे क्या हमें ऑयल मिलता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, पल्सेस जो दालें होती हैं उनके लिए भी क्या है, हम बीन्स ग्रो कराते हैं, ग्राम्स, पीस। इस तरह से क्या है कि जिस पार्टिकुलर क्रॉप से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके बेस पर क्लासिफाई हम क्रॉप्स को करते हैं। सबसे पहले क्या है, सीरियल्स, इसमें क्या आता है, वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। नेक्स्ट है पल्सेस, इसमें क्या है, बीन्स, ग्राम्स, पीस। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, इसमें सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट। नेक्स्ट है रूट क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स वो होती हैं जिन क्रॉप्स में जो उनका एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला पार्ट होता है वो रूट होता है, जैसे स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, हम शकरकंदी की बात करते हैं या फिर आलू की बात करते हैं। नेक्स्ट है शुगर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स वो होती हैं जिनसे हमें शुगर मिलता है, मीन्स शक्कर, शक्कर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, जैसे बीट रूट एंड शुगर केन। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप, फाइबर मीन्स रेशे, ऐसे क्रॉप्स जिनसे हमें क्या है, रेशे मिलते हैं, जिनसे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन एंड जूट। नेक्स्ट है कैश क्रॉप प्लांटेशन, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हम ग्रो कराते हैं मार्केटिंग के लिए, इनको सेल करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस है सीज़न के ऊपर, कि हम किस सीज़न में कौन सी फसल को सॉरी कौन सी क्रॉप को ग्रो कराते हैं। तो इस बेस पे जो क्रॉप्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है एज ए खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इनको क्या है, मानसून के टाइम में ग्रो कराया जाता है। मानसून के टाइम में इसलिए ग्रो कराया जाता है क्योंकि इनको क्या है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जानते हैं ना मानसून का जो टाइम होता है वो रेनी सीज़न होता है, और वहाँ पे क्या है, उस पूरे टाइम में रेन होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो जहाँ से इन्हें क्या है, प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिल जाता है। इनको जो उगाने का टाइम होता है वो होता है
जून जुलाई, जून जुलाई में खरीफ की क्रॉप्स को हम शो करते हैं, और जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वो होता है सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं पैडी, कॉटन, सोयाबीन एंड मेज़। नेक्स्ट जो दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास, रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स होती हैं इनको ग्रो कराया जाता है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में इसलिए क्योंकि इनको क्या है, कम मात्रा में पानी चाहिए होता है, दे रिक्वायर्ड लेस वाटर। इनका सॉरी इनमें इसके एग्जांपल हैं हमारे पास वीट, ग्राम, पी एंड लिनसीड्स। जो रबी क्रॉप्स होती हैं इनको जो इनका जो सोविंग टाइम होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है, और इनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है मार्च अप्रैल में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है क्रॉप के पर्पस के बेस पे, कि जो हम क्रॉप ग्रो करा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, किस वजह से हम जो क्रॉप है ग्रो करा रहे हैं, जिसको किस लिए करा रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको क्या है, फूड के पर्पस से हम ग्रो कराते हैं। एक क्रॉप ग्रोन फ्रॉम द पर्पस ऑफ फूड सच एज वीट एंड पैडी। जैसे वीट होता है या फिर पैडी मीन्स धान होता है, इनको हम ग्रो कराते हैं फूड के लिए। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस क्रॉप। ए क्रॉप विच इज़ ग्रोन बाय फार्मर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग। ऐसी क्रॉप्स जिनको हम ग्रो कराते हैं, सॉरी जिनको फार्मर्स ग्रो कराते हैं अपने निर्वाह के लिए, अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए, ठीक है, उन क्रॉप्स को बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्रॉप्स, इनकी मार्केटिंग नहीं की जाती। नेक्स्ट है कैश क्रॉप। जो कैश क्रॉप होती हैं वो क्या है, ये मार्केटिंग पर्पज़ से ग्रो कराई जाती है। इनको क्या करते हैं, हम मार्केट में सेल करते हैं और प्रॉफिट उनसे लेते हैं। एक क्रॉप ग्रोन फ्रॉम द पर्पज़ ऑफ सेल एंड प्रॉफिट, इसके एग्जाम्पल हैं टी, कॉटन, कोकोनट। ठीक है, ये सब जो क्रॉप्स हैं इसको मार्केटिंग के लिए हम ग्रो कराते हैं। ठीक है,